नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको पनीर भुर्जी बनाना बतलाती हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले तो फ्रेश पनीर ले लेंगे। ये मैंने 1.5 लीटर दूध के पनीर निकाल के रखे हैं। 2 प्याज मैंने बारीक काट के रखे हैं। 2 टमाटर है। आधा चम्मच मैंने नमक लिए हैं। हल्दी है आधा चम्मच। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर है और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है। जीरा है 1.5 चम्मच। थोड़ा सा काजू मैंने ले लिए हैं। ये करीब 10 पीस काजू हैं। और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना करके रखा है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और 1 इंच का टुकड़ा अदरक लेकर के पेस्ट बना लिया है। तो चलिए बना करके दिखलाती हूँ। बनाने के लिए हमें तेल की जरूरत होगी। पैन को चढ़ाएंगे गर्म होने और उसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा थोड़ा सुनहला होने के बाद हम इसमें अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हम इस तरह से बस घुमाएंगे, हमें इसे जलाना नहीं है। इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा भूनेंगे। इसमें हम डाल देंगे हल्दी, नमक बिल्कुल आधा चम्मच, और प्याज को हम भून लेंगे। चालू। प्याज को थोड़ा भून लेंगे, लेकिन प्याज कड़क ही रहना चाहिए, ये गलना नहीं चाहिए। प्याज थोड़ा सा ये भून चुका है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 छोटा टमाटर लिया है। अब थोड़ा सा बस टमाटर को भी भून लेंगे। गलना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मुझे इसे भूनना है। टमाटर भी भून चुका है। बस थोड़ा सा इसे बस इस तरह से हम भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये भी खूब अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला का पाउडर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काजू का पाउडर। काजू का मैंने पाउडर बना के रखा है। काजू का पाउडर नहीं हो तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। सब कुछ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। पनीर खुद बहुत ही क्रीमी होता है, इसलिए हम इसमें तेल बहुत कम डालकर बनाते हैं। तो देखिए, पनीर भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।